just you try to stay strong. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग. आज है 24 नवंबर और दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है. चाय पी लिए हैं, मौसम एकदम क्लाउडी सा हो रखा है यहाँ पे और मस्त वाला मौसम है, बट ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा मुझे सर्दी भी हो गया है. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. तो बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और साथ में मेरे व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए. तो आज मोमेंट हाय, गुड मॉर्निंग मोमेंट भी बैठे हैं. हम हमेशा बैठे रहते हैं और बैठ के कुछ कुछ काम कर रहे हैं. और मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया है, तो चलिए दिखाती हूँ क्या है आज का ब्रेकफास्ट. ये है पालक पनीर एंड ये है सैलेड. सैलेड में कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो और ये हमारे डाइट में अभी सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम रहता है. ऐसे कटोरी भर के थोड़ा सा मोमेंट खाते हैं, बाकी पूरा मैं खाती हूँ. और ये है नॉर्मल प्लेन चपाती. तो ये हम लोग का आज का होने वाला है ब्रेकफास्ट. सो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है एंड अभी आ गए हैं किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए, डीप क्लीन करने के लिए. तो उसके लिए ना किचन का जो ड्रॉर है ना, ऐसा उसको निकालना है. तो चलिए दिखाती हूँ उसको कैसे निकालते हैं. ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता होगा और सब वेट करते होंगे कि कारपेंटर आएगा और वही निकालेगा. तो आप खुद भी निकाल करके उसको क्लीन कर सकते हो अच्छे से. तो चलिए दिखाती हूँ. ये देखिए, एक सेक्शन मैं निकाली हूँ, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. पहले तो ये जो सारे बर्तन है ना, इसको आप लोग निकाल लीजिए और उसके बाद इसको जब पूरा ओपन करेंगे ना, पूरा ओपन करना है, पूरा एंड तक ओपन करना है जितना हो सकता है. देन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये एक ऊपर नीचे होता है ये. तो जो राइट हैंड साइड में है ना, वो नीचे होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होता है, वो हमारा ऊपर करना है. तो इस साइड को नीचे करेंगे और इस साइड वाले को ऊपर करेंगे एंड देन इसको घीचेंगे. तो ये देखिए निकल रहा है, निकल गया. आई होप आप लोग को पता चला होगा कि कैसे करना है. तो ये जो है ना चैनल, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ही जो है. तो ये जो है ना, यही लॉक करता है. तो याद रखिए, राइट हैंड साइड वाले को नीचे करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर करना है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना, तभी आपका ओपन होगा ये. तो ये अभी ओपन हो गया है. तो इसका सारा सामान मैं पहले नहीं निकाली हूँ, उतना ज्यादा हेवी नहीं था इस वजह से. बट जनरली आप लोग जब क्लीन करो इसको तो पहले ही निकाल दो ताकि उतना हेवी ना हो. तो मैं बस ऐसे ही निकाल दी. तो अभी सभी चीज को हटाएंगे एंड ये जो है ना, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे. ये एसएस का है, एसएस का जनरली रहता है. अभी तो बहुत सारे मटेरियल्स में आ गए, तो जनरली रेंट हाउस में आप लोग रहोगे तो आपको इस तरह का ही बास्केट मिलेगा. तो मैं भी रेंट हाउस में रहती हूँ और मुझे भी ऐसे ही बास्केट मिला है. तो इसको अच्छे से क्लीन करेंगे. एंड इसको भी निकालेंगे और अंदर का जो पार्ट है उसको पूरा क्लीन करेंगे. और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे चैनल में. एक पार्ट को आज करूंगी, अगर और कर पाई तो करूंगी, नहीं तो आज एक ही करूंगी. नेक्स्ट डे ऐसे कर करके पूरा करूंगी. तो आप लोग को ये वाला जो दिक्कत हो रहा होगा, बहुत लोगों को हो रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अभी आप आराम से निकालो, अंदर डीप क्लीन करो पूरा अच्छे से. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना, उधर नीचे इतने सारे गंदे हो जाते हैं नीचे में. और जो पानी के साथ हम लोग कभी कभी बर्तन बहुत हरी में डाल देते हैं ना, तो वो सभी का जो दाग होता है ना, वो सब क्लीन करने नहीं होता है. तो आप ऐसे करके इसको क्लीन कर सकते हो और फिर इजिली ये लग भी जाता है इसी तरह से. तो लगाते टाइम भी दिखाऊंगी आपको, पहले ये सब क्लीन कर लेते हैं. तो ये देखिये, मैं नीचे वाले ड्रॉर को भी निकाल दी हूँ और फिर अंदर में ये देखिये कॉकरोच भी मिल गया मुझे. तो दो कॉकरोच है और पूरा कितना गंदा हो रखा है. तो चलिए फटाफट क्लीन करते हैं और ये सबको अरेंज करते हैं. तो ये देखिए, अभी अच्छे से क्लीन हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है ना, और पहले कितना गंदा लग रहा था. एंड अभी ये सब क्लीन करना बाकी है. तो लंच टाइम हो गया है, तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद ये सबको क्लीन करके रखेंगे. तो अभी ये पूरा क्लीन हो गया है. नेक्स्ट डे पे मिल रही हूँ आप लोगों से.
तो ये भी पूरा जो बॉक्सेस है ना अच्छे से क्लीन कर दिए थे और इसको लगा दिए रात में ही, तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो ये वाला जो दो पार्ट है ना ये छोड़ दी थी, मैं सोची आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसे इसको फिर से क्लोज करना होता है। तो ये जो चैनल है इसको ओपन करते हैं पूरा लास्ट तक, और ये देखिए ये ऑलरेडी हमारा क्लीन हो चुका है। तो इसको पकड़ना है ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमको इस साइड का नीचे करना है और दूसरे साइड का जो है इस साइड का, ये देखिए इस साइड का ये ऊपर करना है। तो दोनों को एक साथ में करना है और ये ओपन कर देना है और इसमें आराम से इसको इस तरह से दोनों साइड फिल करिए और ये बंद होने लगता है ना, इसको आप एक हाथ से पकड़ लो, दो लोग हैं तो बहुत अच्छा है। वो भी इस साइड से भी हो गया, तो ये देखिए आराम से आप एक ऐसे इसको इसको अंदर नहीं जाने देना, इसको थोड़ा देर पकड़ना है और इसको आराम से देखिए। तो ये जो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कर रही थी ना, जब इसको डालते टाइम उसकी जरूरत नहीं है, कर दे तो बहुत अच्छा है, बट इसको पकड़ के रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी ये आराम से घुस चुका है और ये देखिए क्लोज हो गया। तो अभी इसमें सारा सामान रख देंगे एंड ऊपर वाला भी इस तरह से ही फिट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग भी अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं, बहुत डीपली क्लीन कर सकते हैं इस तरह से निकाल के, क्योंकि जनरली मैं ऐसा फील की हूँ। एक्चुअली मैं भी घर में किचन में काम करती हूँ, वैसे सभी लेडीज करते होंगे, इवन जेंट्स भी करते होंगे जिनको इंटरेस्ट होता है। तो आप लोग को सबसे बड़ा चीज़ जब क्लीनिंग करने टाइम में ना यही प्रॉब्लम होता है कि ये ना पूरा ड्रॉअर जो है ना वो पूरा अच्छे से बाहर नहीं निकलता है, जिस वजह से अंदर हमें हाथ को घुसा करके बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है एंड उस टाइम में बहुत बड़ा चोट वोट लग जाता है। तो आप इस तरह से आराम से इसको बाहर निकालो, सारा बर्तन निकालो, अच्छे से क्लीन करो, ड्राई करो एंड आराम से इसको वापस अपने जगह पे सेट कर दो। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं और ये अगर आप निकाल के क्लीन करोगे ना तो ये सभी चीज ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप एक बार क्लीन करके देखना एंड मुझे कमेंट करके बताना क्या ये यूजफुल रहा आप लोगों के लिए या फिर ये ऐसे ही रहता है और इसमें ही आप क्लीन करते हो वो ज्यादा यूजफुल है। एक्चुअली आप जब इसको निकाल के क्लीन करते हो ना तो ये जो चैनल है ना, वो जो दिख रहा है चैनल, इसमें पानी नहीं जाता है और ये जो बास्केट है इसको आराम से ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद इसमें डालेंगे तो पानी नहीं जाएगा, तो जंग तो वैसे भी नहीं लगेगा, इस पे एल्यूमिनियम का है बट फिर भी पानी के कांटेक्ट में आके कभी कभी ना प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस नहीं करोगे। तो जब और एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई हूँ तो वो मैं बताती हूँ। जब आप इसको पूरा अच्छे से निकाल लेते हैं, अच्छे से देखिए अंदर में पूरा क्लीन हो गया है, पहले का आप देखे होंगे क्लीन नहीं था बिल्कुल, अभी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये करने के बाद आप आराम से ये वाला जो हिट जेल है ना कॉकरोच को मारने वाला, ये आप कॉर्नर्स में लगा दीजिए अच्छे से, कॉर्नर कॉर्नर में बिल्कुल एक एक ड्रॉप डालना है। इससे मैं देखी हूँ मेरे कॉकरोच बहुत हद तक मर गए हैं, बहुत हद तक क्या बोलूँ मैं, पूरा ही लगभग मर गए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा है, हिट जेल जो है ये बहुत अच्छे से कॉकरोच को मार देता है, स्मेल भी नहीं होता है इसमें एंड मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। आप चाहे तो आप भी इसको यूज करो, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं यूज की हूँ इसको और मुझे इफेक्ट इसका अच्छा दिखा है तो सोचिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मॉर्टिन का जो स्प्रे आता है ना उससे ये मुझे बहुत बेटर लगता है, स्प्रे में थोड़ा स्मेल आता है जो कि हम लोग को भी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है उससे, या बच्चे हैं घर में तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसको लगा देंगे कॉर्नर्स में और उस कॉर्नर्स में बच्चों के हैंड तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, इवन आपका हैंड भी नहीं पहुंचेगा, ना तो आपके बर्तन में कोई टच होगा। तो आप ऐसे जगह पे लगा दो एंड कॉकरोच से भी मुक्ति पाओ।
तो ये जो मैं शेयर की हूँ वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और इस टाइप का बहुत सारा मैं शेयर कर सकती हूँ बिकॉज इंटीरियर से रिलेटेड चीज मुझे पता होता है, जो काम करवाते हैं तो ये चीज पता होता है कि किस तरह से इस चीज को करते हैं, उसको आप घर में इजिली कैसे यूज कर सकते हैं उन सब चीजों को, तो मैं बीच बीच में लाती रहूंगी जब जब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज मैं कर रही हूँ और ये आप लोग को दिखाना चाहिए जो जरूरी है तो वो जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। टिल देन वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।